नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकल कर आई है। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे आपको इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है बिना गलती के। तो यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो में अच्छी खासी वैकेंसी आई, 150 से के आसपास वैकेंसी है यहाँ पर साइंटिस्ट बी की। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के ऑनलाइन अप्लीकेशन फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहां पर चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 मार्च 2020 रखा गया है। तो इसके पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। इसके साथ चाहे तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले एडवर्टाइज इंग्लिश के लिए और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट हिंदी के लिए। तो आप हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, क्या क्या योग्यताएं रखी गई, इसके बाद बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। देख सकते हैं यहां पर मैंने आपके सामने नोटिस ओपन कर लिया भारतीय मानक ब्यूरो का। तो यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर वैकेंसी टेबल मिल जाएगा। वैकेंसी टेबल चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। यहां पर 150 वैकेंसी आई निकलकर टोटल यांत्रिकी के लिए, और यहां पर धातु कर्म इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम कम्युनिकेशन, यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और खाद्य प्रौद्योगिकी की टोटल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे रासायनिक केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रौद्योगिकी, पेट्रो रासायनिक और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में टोटल मिलाकर 150 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको चलिए योग्यता दिखा देते हो, क्या योग्यताएं रखी गई अप्लाई करने के लिए। अनिवार्य योग्यताएं जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल से लिए, जिस ब्रांच से आपने जो है यहाँ पर डिग्री किया है, बीटेक भी किया है, उसमें आपके पास जो है न्यूनतम 60% के साथ जो है आप क्वालिफाई होने चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ 50% रखा गया है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर आपके पास गेट क्वालिफाई होने चाहिए, 2018, 2019 या 2020 में आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। गेट का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी वैधता तिथि यहाँ पर 31 मार्च 2020 के पहले नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके बाद तक वैध होना चाहिए। 31 मार्च 2020 तक वैध होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है रजिस्ट्रेशन का और दूसरा है लॉगिन का। तो सबसे पहले आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। इसके पहले मैं बता दूँ यहाँ पर कोई भी जो है एग्जाम नहीं होने वाला, आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा तो एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको किस स्टेट से, किस ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सारे ब्रांच अवेलेबल है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका है यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ब्रांच जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको कैंडिडेट का फुल नेम, अपना नेम इंटर कर लेना है। देख सकते हैं कंप्लीटली नेम आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपका नेम जो होगा आपके डिग्री या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी मिस्टर या मिसेस टाइटल यूज नहीं करना है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना नेम इंटर कर लिया, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर अपने फादर्स का नेम और मदर्स का नेम इंटर कर लेना सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पर मैरिटियल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड है या सिंगल है तो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करना है, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पर जनरल OBC ST आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजियन, अपने धर्म का नेम इंटर करना है, जो भी आपका रिलीजियन है उसका नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहां पर PWD कैंडिडेट हैं तो यहां पर यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इंप्लॉई हैं BIS के, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के इंप्लॉई हैं तो यहां पर यस कर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो ही करना है। इसके बाद आपको यहां पर पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन है तो आपको यहां पर यस करना है। इसके बाद आपको नीचे चले आना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर इसका डिटेल दे सकते हैं यस करके, नहीं तो नो कर देना है। यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के
सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका एज काउंटिंग 31 मार्च 2020 से शो हो जाएगी जितना भी आपका एज होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपना पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करना है और उसको रिकन्फर्म कर लेना है। यहाँ पर फिर आपको एक मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड मिल रहा है। कैप्चा कोड आपको सिंपली यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपली आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन मैसेज आ जाएगा और आपकी तुरंत मोबाइल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका शो होगा। इसके साथ आपको ईमेल पर और मोबाइल पर आपको एसएमएस भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है लॉग इन टू कंटिन्यू का, तो लॉग इन टू कंटिन्यू पर क्लिक करके लॉग इन के पेज पर आपको चले जाना है। जैसे लॉगिन के पेज पर आएंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है अभी एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करके यहाँ पर एक कैप्चा कोड मिला है। कैप्चा कोड इंटर करके यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है तो सिंपली आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा पेज होगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और नेम शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन भी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेप है। 1 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, बाकी यहाँ पर 2nd स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल डिटेल। 3rd स्टेप है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का, फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। इसके बाद 4th स्टेप है प्रीव्यू का और 5th स्टेप है यहाँ पर पेमेंट का। तो चलिए एक एक स्टेप बिना गलती के आपको दिखाएंगे कैसे फिलअप करना है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था यहाँ पर सारा डिटेल शो हो रहा है। इसके बाद आपको नीचे चले आना है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ एड्रेस से आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। तो चलिए एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लिया। यहाँ पर अपने विलेज का नेम, पोस्ट का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है और पिन कोड इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सिंपली आपको टिक कर लेना है। नीचे का डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए सबसे पहले आपको अपना जो डिग्री है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपके पास बीई की डिग्री है, बीटेक की है या इक्विवेलेंट कोई भी है। तो यहाँ पर मेरे पास बीटेक है, बीटेक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम इंटर कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने किस गेट क्वालिफाई किस पेपर से किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेलेक्ट रहेगा जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको स्ट्रीम के नेम में यहाँ पर अपना जो भी आपका ब्रांच है या स्ट्रीम है यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने बीटेक क्वालिफाई किया है उसका डिटेल देना है। यहाँ पर कितना परसेंटेज है परसेंटेज आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड का आपको ऑप्शन देना है, डाटा देना है, देख सकते हैं डिटेल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका गेट पेपर का कोड और यहाँ पर जो है पेपर कोड शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैकेनिकल शो हो रहा है। इसके बाद किस ईयर में आपने पास किया है ये शो हो रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 2018, 19, 20 के लिए इलिजिबल है, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा गेट में इंटर कर लेना है। यहाँ पर फिर ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी रही इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट, उस ईयर में कितने कैंडिडेट पेपर में अपियरिंग हुए थे यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए ये डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर अगर आप के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहां पर यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस आपसे कोई मांगा नहीं गया। चलिए फिर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको साइज बताना चाहता हूँ आप फोटो और सिग्नेचर की, तो यहाँ पर 200 KB से आपका कम साइज में होना चाहिए, 200 DPI में आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जो फोटो जल्द का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर चूज करके अपलोड पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद तो यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो है सिग्नेचर की बात करें तो यहां पर व्हाइट पेज पर आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करना है, 200 KB के अंदर में JPG फॉर्मेट में यहां पर चूज करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर देंगे, आपका सिग्नेचर भी यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
बर्थ सर्टिफिकेट के स्थान पर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर चूज करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर सकते हैं क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बी बी टेक का अपना जो है डिग्री का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको बी बी टेक का मार्कशीट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों गेट का स्कोर कार्ड जो आपका है उसको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद दोस्तों आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अपने यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देंगे, आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद यहां पर आप नीचे आएंगे, नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो यहां पर मैंने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, चलिए दिखा देता हूं आपको। इसके बाद देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे प्रीव्यू के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल चेक करना है, जो भी आपने डिटेल अभी तक फिलअप किया सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगर सारा डिटेल ओके है तो आपको नीचे चले आना है, देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल चेक कर लिया। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी शो होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारा डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब अपलोड हो चुका है। अगर सारा डिटेल आपका ओके है तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे आपको एक्सेप्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अगर सारा डिटेल ओके है तो यहां पर कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जैसे आप कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा पेमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले बता दूं, अगर आप जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपए का फीस पेमेंट करना होगा। इसके अलावा किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। एससी एसटी कैंडिडेट और यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं है, फ्री में है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है एप्लीकेशन का फीस नहीं है। तो यहाँ पर आप पे पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर चले जाना है आगे नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आपका फोटो और सिग्नेचर शो हो रहा है और बाकी सारी डिटेल्स हो रही है, देख सकते हैं। और नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का, तो यहां से प्रिंट करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं सुरक्षित, या इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। अब आपको मेरिट का इंतजार करना है और आपको इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। दोस्तों इस प्रकार बड़े आसानी से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन और न्यूज़पेपर की आवश्यकता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।